एक गाइस हाउस द जोश मैं हूं चेतन फ्रॉम गेमिंग जोश और ये वीडियो है तीन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में BGMI के अंदर BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो इंडिया में अब लॉन्च हो गया है बट इट्स अर्ली एक्सेस इज ऑन फाइनल वर्जन अभी नहीं आया तो ये पहला क्वेश्चन ही लोगों का यह है कि भाई मेरे फोन में अभी के लिए गेम लैग हो रहा है सो गेम लैग फिक्स होगा नहीं होगा क्या यही रहने वाला है इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ कोई टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके इसको चेंज कर सकता हूँ पहली बात गाइस अर्ली एक्सेस इज गिवन यूजुअली बिकॉज लोग रिपोर्ट करें कि मेरे फ़ोन में ये दिक्कत आ रही है वहाँ पर उनको पता चले कि अच्छा ये चिपसेट के साथ कुछ तो इशू है जिसको वो फिक्स करने की कोशिश करेंगे एंड देन देल ट्राई टू बेटर द फ्रेम रेट देखो कोई भी गेम डेवलपर ये नहीं चाहेगा ना कि मेरा गेम ख़राब चले किसी भी फ़ोन पर वो तो ट्राई करेंगे जितना हो सके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देना अच्छे अच्छे फ्रेम रेट्स की और अच्छे अच्छे, अच्छे ग्राफिक सेटिंग्स की तो वो अपने साइड से ट्राई करेंगे और होपफुली हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि फाइनल वर्जन बेटर आ जाए बट वी आर एन श्योर अबाउट दैट एंड गाइज ये अभी भी हम जो भी टेस्ट करेंगे थोड़े दिन के लिए जब तक फाइनल वर्जन आए तब तक वो रहेगा बीटा वर्जन और अर्ली एक्सेस वर्जन जो भी उसको बुला लो आप एंड वी कांट सेम इन द फाइनल वर्जन बेटर हो सकता है खराब भी हो सकता है तो जब तक फाइनल वर्जन आए तब तक आप अपने फोन परचेसेस का जो भी माइंड में रखे हो कि भाई पंद्रह हजार बीस हजार मेरा बजट है उसका मैं क्या करूं थोड़े दिन रुक जाओ दैट विल बी योर बेस्ट राइट नाउ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि जब तक ऑफिशियल वर्जन आ जाएगा क्या पता तब तक नए नए फोन्स और भी आ जाए तो वो भी टेस्ट करके हम बताएं आपको कि कौन सा फोन बेटर रहेगा थोड़ा वेट कर लो आप दैट इज द बेस्ट थिंग बी पेशेंट अबाउट इट राइट नाउ सेकंड क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है अबाउट द ट्रांसफर ऑफ योर अकाउंट फ्रॉम कोरियन आई टू ग्लोबल आई भाई इतने वीडियोज मैंने ऑलरेडी देख लिए हैं फेक वीडियोज इतने गंदे गंदे थमलेल्स इतने गंदे गंदे आ, क्या बोलते हैं टाइटल्स लगा के कि हाउ टू ट्रांसफर योर कोरियन आई डी टू बीच एम होता ही नहीं है भाई हाउ टू तो ट्रांसफर क्या है होता ही नहीं है ट्रांसफर याद रखो कोरियन जब आपने खेलना शुरू किया था इट वॉज अ सेपरेट एंटिटी इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टेंस एंड गेम्स एंड पबजी मोबाइल ग्लोबल राइट ये पूरा अलग ही था सेम सीन यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है इस तो को ये जो बीजेम आई है इट्स नॉट रिलेटेड टू कोरियन इट्स रिलेटेड टू ग्लोबल मतलब आपका आई डी ट्रांसफर का जब ऑप्शन भी आता है ना जब आप लॉग इन कर रहे हो उसमें वो बोलेगा नहीं कि ये कोरियन आई डी है या ग्लोबल आई डी है ऑब्वियसली वो आपका ग्लोबल उठाएगा मैंने सेम फेसबुक अकाउंट से मेरा एक कोरियन आई डी नया बनाया था एंड ऑब्वियसली वो कभी भी यहां पर डिटेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि ये जो डेटा लेने वाला है वो रहेगा आपका ग्लोबल डेटा नॉट योर कोरियन डेटा तो आप भूल जाओ अगर आप कोरियन खेल रहे हो तो कोरियन पे खेलना चाहते हो कंटिन्यूसली खेल लो आपको ग्लोबल प्लेयर्स के साथ ही मैचिंग होगा इंडियन प्लेयर्स जब बीजेएमआई पे शिफ्ट हो जाएंगे दे वोंट बी मैचिंग विद यू दे वोंट बी फ्रेंड्स विद यू दे वोंट बी इन योर लॉबीज ये याद रख लो सो so, कोरियन अगर आप खेल रहे हो थोड़ा आराम से अपने माइंड को सेट करो सोचो कि भाई मुझे फाइनली जाना पड़ेगा बीजेएमआई में क्योंकि यही आपका फाइनल चॉइस है इंडियन लॉबीज़ आएंगे सिर्फ इसी में आएंगे और इंडियन लॉबीज़ के लिए आपको खेलना पड़ेगा बी जे एम आई कोरियनियन पर खेल रहे हो तो कोरियन और बाकी रीजन के आपको अगर आप एशिया भी खेल रहे हो तो एशिया में शायद इंडोनेशियन इंडोनेशियन के अलावा पाकिस्तान श्रीलंका आपके जो नेबरिंग सबसे क्लोजेस्ट पिंग वाले जो भी एरियाज रहेंगे वहाँ के मैच करेंगे यानी तो जो बंदे शिफ्ट नहीं हुए उनसे आपका मैचिंग होगा कोरियन आई डी में अगर आप ग्लोबल में हो और सोच रहे हो यार मैं ग्लोबली खेलता रहूँगा बेटर है वो आपको थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक ही रहेगा उसके बाद खेल पाओगे शायद वो भी वीपीएन लगा के बट ग्लोबल का जो अगर आपको आईडी बाद में ट्रांसफर करना है बी पे वो टेंथ के बाद ट्रांसफर नहीं होगा टेंथ नहीं सॉरी थर्टी फर्स्ट डिसंबर के बाद ट्रांसफर नहीं होगा सो थर्टी फर्स्ट डिसंबर तक ही आप अपने ग्लोबल आई डी को बी में ट्रांसफर कर सकते हैं वो याद रख लो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोरियन इज नॉट ग्लोबल कोरियन इज नॉट ग्लोबल ग्लोबल इज नॉट कोरियन यू के नॉट ट्रांसफर योर कोरियन आई डी टू बी जी एम आई कुछ भी कर लो नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट इज अबाउट आर पी प्राइम प्लस ये ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का था यहाँ पर यूजअली uh, क्या होता है ये जो मेरी आईडी है टॉप में उसके आसपास ही Uh, यहाँ पर आर पी प्राइम प्लस के सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन रहता था लेट मी शो यू दैट ये एरिया ये एरिया यहाँ पर होता था वो चीज़ बट यहाँ पर आपको अगर आर पी प्राइम प्लस नहीं दिख रहा उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी तक इट्स नॉट एक्टिवेटेड उसका एक लॉजिकल रीज़न ये रह सकता है गाइज कि राइट नाउ दिस इज वॉट दिस इज राइट नाउ ऑन अर्ली एक्सेस वर्जन और इंडिया में पेमेंट्स सब्सक्रिप्शन की जो भी बात आती है इट इज़ अबाउट एनी सब्सक्रिप्शन उसको थोड़ा टाइम लग सकता है ठीक है टाइम लगने का बात यह है कि आप टाइम लगने का ऐसा सोचो यूट्यूब सब्सक्रिप्शन जो है यूट्यूब के मेंबरशिप है वो भी सब्सक्रिप्शन उड़ा दिया गया बिकॉज ऑफ़ द पेमेंट टर्म्स एंड एवरीथिंग जो भी था तो शायद वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो और आर पी प्राइम प्लस माइट कम इन टू इंडिया और इन टू बी जी एम आई क्योंकि यहाँ पर मैंने वो जाके पढ़ा सारे सपोर्ट ऑप्शन में जाके कर ढूंढा था तो मुझे पहले मिल गया वो ऑप्शन ये यहाँ पर देखिए एफ एक् अबाउट प्राइम एंड प्राइम प्लस ये देखिएगा इस परचे प्राइम प्राइम प्लस टू गेट मोर बेनिफिटर सॉरी इफ्यर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन सब्सक्रिप्शन बिफोर वी स्टार्ट देशन प्लीज नेटवर्क इश्यूज और डीजाइन एक्टिवेटिंग अभी तक नहीं है बट ये आ सकता है उसका एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि इनके बीजेएमआई के वेबसाइट पर यह चीज है कि आपका प्राइम प्लस मेंबरशिप का अगर कुछ दिक्कत हो तो ये रीजन हो सकता है ये नहीं हो सकता है ये सब है ठीक है अब आइडेंटिस द बोनस ये भी सब कुछ है ना ये आप बस वेट करो जब ऑफिशियल वर्जन आएगा शायद तब इनके सब्सक्रिप्शन ऑप्शन खुल जाएंगे सब्सक्रिप्शन ऑप्शन क्या है गूगल प्ले के थ्रू होता है और मेंबरशिप में जब अभी दिक्कत आ रही है कि मेंबरशिप में भी टेम्परली क्या है आपको मेंबरशिप ऑप्शन आ रहा है मतलब डायरेक्ट रिन्यूअल ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको हर बार जाकर रिन्यू करना पड़ेगा मेंबरशिप अगर आप यूट्यूब चैनल का ले रहे हो एंड क्या चाहिए साथ साथ एक क्विक अनाउंसमेंट हमने मेंबरशिप का लोएस्ट लेवल पे अनलॉक कर दिया ट्वेंटी नाइन रुपीज़ का अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो ट्वेंटी नाइन रूपी वाले में ले सकते हो नौ कमिंग बैक टू द टॉपिक प्राइम एंड प्राइम प्लस का सो so ये आएगा ये इतना तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं आएगा बट अभी टाइम लगेगा जब तक ऑफिशियल वर्जन ना आ जाए ठीक है एंड फाइनली एक और क्वेश्चन है लोगों का इट इज अबाउट योर बैंड आई और बैंड अकाउंट तो ये एक सेकेंड का अबाउट द बैंड अकाउंट का इस तो बैंड अकाउंट का क्या है uh, एक सीन ये है काफी लोगों ने पूछा था कि यार मेरा बैंड अकाउंट है क्या ये मेरे को मिलेगा जब मैं मतलब मेरा अकाउंट बैन हुआ था ऑन द ग्लोबल वर्जन अब ये बीजे में आने के बाद क्या अनलॉक हो जाएगा क्योंकि सिर्फ आई डी इन्फॉर्मेशन तो कॉपी हो रही है नो इफ़ यू एक्चुअली गो रीड अबाउट एवरी थिंग जेटा कॉपी हो रहा है ना उसमें बैंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी कॉपी हो रहा है अगर आपका अकाउंट दस साल के लिए बैन हुआ था वो दस साल का कॉपी का जो डेट था ना कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन मे जनवरी तक आपका अकाउंट बैंड है वो कॉपी हो रहा है यहाँ पे सो so, यहाँ पर भी बीजेम आई आई डी हो जाएगा वो आपका बट बी जी एम आई डी ब्रांड रहेगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन या ट्वेंटी थर्टी वन सॉरी जनवरी तक ठीक है समझ रहे हो आपको बैंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन कॉपी हो रहा है इसलिए आपका अकाउंट अनबैन नहीं होगा जो भी रीजन था जिसकी वजह से बैन हुआ काफी लोगों का तो खराब लगा कि अननेसरी रीजन से बैन हुआ था पहले काफ़ी लोग का सच में बैन हुआ बट वो ट्राई करते रहते हैं सोचने का ये बोता है कि, कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं था अलग अलग रीजन जिनका इनोसेंट बैन हुआ मतलब विदाउट एनी रीजन उनके लिए मैं भी खराब मुझे भी खराब लगता है बट जिनका रियल बैन हुआ है वो सोच रहे हैं कि भाई अब चांस मिल गया मैं जाके अब अनलॉक हो जाएगा मेरा अनबैन हो जाएगा वो नहीं होने वाला गाइस अगर आपका अकाउंट बैंड है तो बैंड ही रहेगा इवन ऑन बी जी एवन आफ्टर यू डू द अकाउंट ट्रांसफर और लास्ट थिंग अबाउट नाइन्टी एफ पी एस एंड सिक्सटी एफ पी एस क्या कुछ नया सेटिंग्स हो जाएंगे अनलॉक उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले सेटिंग्स जो थे पबजी मोबाइल के वही रहेंगे बी में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला अभी तक तो हमने जो भी देखा है उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला और बड़ी बात यह है वन प्लस सेवेंटी जैसे फोन में जिसमें नाइनटी एफ एस वस अनलॉड इन पबजी मोबाइल यहाँ पर सेटिंग दिख रहा है बट आउटपुट नहीं आ रहा है तो उसका तो हम वेट कर रहे हैं देखते हैं ऑफिशियल वर्जन में क्या क्या आएगा बट आई डू अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट सारे फोन से मैं कंफर्मेशन देख रहा हूँ कि कौन से कौन से में नाइनटीन सिक्सटी है नहीं है उसका मैं आपको बता दूंगा हर प्राइस रेंज में क्या सीन है तो इस वीडियो में इतना ही ये थे मेजर क्वेश्चन जो काफी लोगों ने मुझे पूछे थे कमेंट सेक्शन में तो मैंने सोचा उसका एक अलग से वीडियो बना दो और और भी अगर आपको कुछ जाना तो नीचे कमेंट कीजिए अगर मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगा उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बट इस वीडियो में इतना इस वीडियो को लाइक करना बोले शेयर करना बोले हाँ, सब्सक्राइब कीजिए जोश को कीप द जोश शाय सी नेक्स्ट वीडियो